SN लाइव सच सबसे आगे। हसनपुरा के वार्ड पार्षद नईम अशरफ को अपराधियों ने दौड़ाकर मारी गोली, मौके पर ही मौत, इलाके में सनसनी। गोली लगने के बाद जलालपुर गांव निवासी शेख अलीजान का दरवाजा खुलवाकर छिप जाने का कर रहे थे वार्ड पार्षद काफी प्रयास। जलालपुर गांव निवासी शहीद राय के घर पर चल रहा था मिलाद शरीफ का प्रोग्राम। रविवार को शहीद राय के बेटे की जानी थी बारात। हसनपुरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 से हुए थे निर्वाचित। जलालपुर गांव के नूरी मस्जिद के पास की घटना। शनिवार की देर रात सीवान जिले के एमएच नगर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव से एक बड़ी खबर उभर कर सामने आई, जहां हसनपुरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 के वार्ड पार्षद नईम अशरफ को शातिर अपराधियों ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी, जिससे मौके वारदात पर ही उनकी मौत हो गई। मौत के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई तथा तरह तरह के अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इस दौरान ग्रामीण तथा आसपास के लोगों में स्थानीय थानाध्यक्ष पंकज कुमार ठाकुर के प्रति बड़े पैमाने पर आक्रोश देखा गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक जलालपुर गांव निवासी शहीद राय के बेटे मोनू की बारात रविवार को गांव से सज धज कर जाने की तैयारी के साथ साथ शनिवार की रात मिलाद शरीफ का प्रोग्राम चलता रहा और आयोजित मिलाद शरीफ में शरीक होकर वार्ड पार्षद नईम अशरफ जो पैदल ही अपने घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए शातिर अपराधियों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर उनके शरीर पर दनादन गोलियां दाग दी। गोली लगने के बाद घटनास्थल के बगलगीर शेख अलीजान के बंद घर के दरवाजे को चिल्ला चिल्ला कर खिड़की खुलवाकर छिपने का प्रयास किया, परंतु उनकी आवाज शेख अलीजान के घर के अंदर तक नहीं पहुंची। यहां बताते चले कि अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने के बाद वार्ड पार्षद नईम अशरफ द्वारा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर शेख अलीजान के घर की खिड़की को खुलवाने का प्रयास किया गया ताकि उनकी जान किसी तरह बच सके, लेकिन जोर जोर से चिल्लाने के पहले ही अपराधियों की गोली के वे शिकार हो चुके थे। उनके द्वारा जोर जोर से चिल्लाने की आवाज अन्य मिलाद शरीफ सुनकर लौट रहे ग्रामीणों के कानों तक पहुंची तो सभी तुरंत अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें खून से लथपथ देख भौचक रह गए तथा उन्हें प्राथमिक उपचार हेतु आनन फानन में उठाकर स्कॉर्पियो के अंदर सवार की। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये घटना जलालपुर गांव स्थित नूरी मस्जिद के पास की बताई जा रही है। मृतक वार्ड पार्षद नईम अशरफ जो गांव के चर्चित मास्टर स्वर्गीय मकबूल हसन के बेटे बताए जा रहे हैं। उधर घटना की सूचना जैसे ही पुलिस कप्तान को मिली तो शैलेश कुमार सिन्हा के निर्देश के आलोक में सदर एसडीपीओ अशोक कुमार आजाद समेत नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन राम समेत कई पुलिस पदाधिकारी सिवान सदर अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों के मौखिक बयान के आधार पर एक पुलिस टीम का गठन कर एमएच नगर थाने के जलालपुर गांव एवं आसपास के इलाकों के संदिग्ध ठिकानों की घेराबंदी कर शनिवार की मध्य रात्रि तक छापेमारी की, लेकिन इस छापेमारी में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ नहीं लगा। यह घटना मृतक वार्ड पार्षद नईम अशरफ के घर से 50 मीटर की दूरी पर घटी, जहां वो गांव में आयोजित मिलाद शरीफ को सुनकर अपने घर पैदल वापस लौट रहे थे कि तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने वार्ड पार्षद नईम अशरफ की हत्या कर दी। इससे परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्वजन असमय उन्हें दुनिया से रुखसत हो जाने का गम दोहरा दोहरा कर बिलख रहे हैं। स्वजनों की चित्कार से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा है। इसके साथ ही स्थानीय थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ठाकुर पर लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। यहां बताते चले कि मृतक पार्षद नईम अशरफ के शव का पोस्टमार्टम शनिवार देर रात जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में एक मेडिकल टीम गठित कर कराई गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों के हवाले कर दिया। बहरहाल मामला चाहे जो हो,
खबर बनाए जाने तक स्थानीय थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ठाकुर पर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहां बता दें कि वार्ड पार्षद की घटना का सटीक और निष्पक्ष तमाम जानकारी के लिए बने रहे लगातार हमारे साथ। हम इस घटनाक्रम के प्रत्येक जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। इस घटना को लेकर एमएच नगर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ठाकुर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिवान सेशन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। कैरियर में भरे ऊंची उड़ान श्रेया मरीन एकेडमी के संग, एकमात्र ऐसा संस्थान जहां से आप 3 साल में अपने सपनों को कर सकते हैं पूरा। इसके साथ ही छात्रों को मिलेगी 8,000 से 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति 3 साल तक हर महीने। 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए है सुनहरा मौका, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा संपर्क नंबर है 9576888811। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।